घटिया खड़े का बिछड़ोद में रहने वाला लखन राठौर का मर्डर वाला मामला हल सुलझो जो है ना, जिला में एक और ऐसी घटना हुई कि नई खेड़ी वाला 22 साल का एक छोरा सुनील परमार की लाश विका गांव कणेश पुलिस के मिली है। लाश का माथा चोट का निशान भी था जिसे यो अंदाजो की हत्या हुई है, बाकी जाँच में खुलेगा। 3 महीना पहला जना सुनील को ब्याह भी हो तो विका पिताजी रेलवे फाटक पर नौकरी करें, खुद सुनील भी लोगों का प्लाट न मकान नहीं दिलावा काम करते थो। बेरुगढ़ वाली पुलिस ने मामला की जांच में भिड़ी थकी है। अपना उज्जैन में फ्रीगंज वाला पुल की योजना फुटबॉल बनी के रहेगी। गया सिंगत का पेड़ लोग सुनी रहा कि फ्रीगंज वाला पुल करने से यह कोर पुल बनेगा। कभी समाचार आए कि विका खातर तो पैसा मंजूर हो गया। बात सही भी है, 92 करोड़ रुपए मंजूर भी हो चुका। टेंडर हो तो विका पेलाज पुल के फुटबॉल पे एक और किक पड़ेगी। अब तो नवी बात सामने आ रही है। नवी बात यह आ कि पुल की योजना में कई बदलाव आएगा, विका बाद कई पुल आएगा। पहला है कि इंदिरा गांधी वाला तिराज लेके महापौर बंगला के सामने से होता हुआ चामुंडा माता आड़ी बनावा की योजना थी। अब PWD वाला अधिकारी विनोद मिलाड़ी नवो पुल बनावा के लिए जाँच वाँच में भिड़िया था क्या है। चोटा उठाई गिरा उनकी हिम्मत वालों, एक समाचार अपना गन देवास से भी आया। देवास में तिलक नगर में एक मकान में चोरी घटना हुई की सुनोगा थमर मजाक लगेगा। चोरी की यह घटना कोई अलता बलता का नहीं, देवास साजापुर वाला सांसद जी महेंद्र सिंह सोलंकी जी का यहाँ हुई है। बताओ छोड़ ला उन सांसद जी के बिन बख्शी रहा। तिलक नगर वाला इन्हें मकान में सांसद जी परिवार किराए से रहे। चुनाव हुआ के बाद सांसद जी दूजी जगह प्रचार में लग गया, इनको परिवार गए तो खाटू श्याम जी दर्शन पे। इन्हीं बीच यहाँ तिलक नगर में छोड़ ला तिलक कड़ी गया। बारहवीं परीक्षा के बाद नाना नानिया अपना भविष्य की चिंता में अपना माँ बाप के लिए जगह जगह फरी रहा। यूं तो उज्जैन में गली गली में गण संस्थान है, पर मैं ये के देवास रोड पे फ्यूचर विजन कॉलेज का ऊपर को कल्पाक्ष यहाँ रोहित सर का हत्या हुए। इनकी टीम बारहवीं के बाद थी UPSC MPPSC SSC बैंकिंग जैसी नवी सारी बड़ी बड़ी परीक्षा की तैयारी सरकारी नौकरी वाते करावे। पढ़ा वक्त तरीको बाकी थी अलग, बाकी सुविधा के नाम पे क्लास वन में AC लग गया था क्या है। क्लास का बाद पढ़वा वास्ते बढ़िया सी लाइब्रेरी भी है। हर शनिवार के टेस्ट का हाथे करंट अफेयर्स पर क्लास भी लगा हुए ने, रविवार के परीक्षक तरीका थी टेस्ट भी ले गए। तो कभी विचार वे छोर छोरी उनको सरकारी अधिकारी बनानो तो एक बार आई कैन देख ही लीजियो। फोन नंबर है 9294524000। हयाड़ी तो गर्मी का भपकारा छूटी रहा, वहीं लोगों के दिमाग में भी गर्मी चढ़ी रही है। सड़ी सड़ी वजह उन पर लोग लड़ी रहा। घटिया कने का पदमा खेड़ी गांव को एक मामला देखी लो। ब्याह बिगड़े के बाद एक जना दूजा घर अखो बली दियो। कच्चा घर में रहने वाला मना उनके कहीं नहीं हुआ, पर दो गाया जिंदा बली गई। यह घटना हुआ के बाद बजरंग दल वाला भाई उन भी यहाँ पहुंची गया। मामलो गाय की हत्या को थो आने वास्ते जाम तक लगाई मेलियो। पुलिस वाला भाई उनने कजे कई जतन करी के मामला संभाल लियो, ठंडा छीटा डालिया। पुलिस के पतो चलियो पदमा खेड़ी वाला ओम प्रकाश गुर्जर ने एक छोरी से कही के लव मैरिज करी थी। जी छोरी लव मैरिज करी हुई कि 12 साल साजापुर जिला का आत्माराम गुजर के साथ सगाई रह चुकी है। ब्याह हुए ओम प्रकाश का साथ 12 साल जो लग गया आत्माराम को परिवार। बात बिगड़ी वहाँ तक ठीक, वी के कई रुपया को लेन देन करी के जमावा कोशिश हुई रही थी। इना बीच साजापुर वाला पदमा खेड़ी वाला आया ने ओम प्रकाश को आंखों घर फूकी के भक्ता बढ़िया। वो घटिया में थाना अंतर्गत एक दो गुर्जर परिवार हैं, उनके बीच में एक विवाद चल रहा है जिसमें एक परिवार ने उनके खेत में जो भूसा रखा हुआ था उसमें आग लगा दी और इसी वजह से वो आग फैल गई। इसमें दो जो हमारे गांव माता हैं उनका भी आग लगने की वजह से डेथ हो गई है। घटना बड़ी विभत्स है, उसमें देखते हुए 436 और 386 में मामला दर्ज किया गया और जो नामजद आरोपी उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना की गई। लो साहब, तावड़ा का तीखापन का बीज नो तपा भी आई गयो।
25 मई शनिवार से रोहिणी लगेगी। मारो भाई चंदन व्यास बताई रहे हो कि रोहिणी वालों 9 तपो 2 जून तक चलेगा, मैंने धरती हाल और भी बढ़ेगा। पारा को तो रोज रोज कहीं बताऊं, यूं हम जब 44 से नीचे उतर वक्त नाम आज नहीं ले रहे हो। गर्मी की बात चली रही, लगे हाथ एक नहीं गया, अपना एक गंभीर वाला बांध फेंक डाली लो। गंभीर वाला बांध का माया भी खाली 30 जून तक को पानी रह गयो, माने 30 ने 35 दिन को पानी है। कभी मानसून लेट वे और बरसात में देरी रीत फजीता बिगड़ेगा सही, बाकी मंकाल रजक मर्जी। अपन तो गर्मी की बात करी रहा, मैं आड़ी राजा जी के दरबार में सावन की तैयारी शुरू होगी। शनिवार कलेक्टर नीरज जैन मंदिर वाली समिति के सदस्य उनकी बैठक करी, आनी बैठक का माज सावन महीना के मंदिर की तैयारी उन पर बात हुई। सावन महीना के बाबा पहली सवारी 22 जुलाई के निकलेगा, 6 सवारी बाद 7वीं शाही सवारी 2 सितंबर के आएगा। आनी बार एक खास बात है, खास बात या क्या, आनी बार की राखी 19 अगस्त के पड़ी रही, वंदन भी सोमवार एन सवारी रहेगा, जन्माष्टमी भी 26 अगस्त के आई रही, इन दिन भी सोमवार एंड सवारी रहेगा। मंकाल रजक मंदिर का एरे मेरे जी को देखो, वो तिलक छापा लगा तो फरी रहो, अपना शेर वाला उनके पत्तों भी नहीं चले, पर कभी जय के देखो सही, जिनकी आंख से गिचोड़ा तक नहीं छूटी रहा, वे भी बाहर सारे लोग तिलक छापा लगा के पैसा इठी रहा। बापड़ो यात्री पैसा नहीं दे तो झगड़ा अलग करवा लगी जाए। कुल जमायो कि पहला जो एक धार्मिक संस्कार था वो फैशन बन गयो, विरोध तो शुरू होना तो। मंकाल वाला पुजारी जी महेश गुरु जी बता रहे कि पहला भगवान को स्नान होए, विन के चंदन लेप अर्पित होए, इका बाद वो चंदन लेप भगत उनका मस्तक पे मंत्रोच्चार का साथ लगाए, यह सनातन की रीति है। अब कई धुंधमारी चली रही, प्रशासन पे एक पे रोक लगानी चाहिए। तो आजकल ये तिलक लगाना, पूरे माथे पे तिलक लगाना, गालों पे तिलक लगवा लेना, गालों पे फूल बनवा लेना, ये एक फैशन से बन चुकी है युवाओं में, ये एक फैशन है। जैसे टैटू बनाने का फैशन है, ऐसा ये भी तिलक है। लेकिन जो आध्यात्मिक दृष्टि से तिलक लगाए जाते हैं वो तीर्थ स्थलों पे होते हैं। मंदिर में कोई जन की जाता है और उसे तिलक लगाया जाता है तो उसके साथ मंत्र बोल के आशीर्वाद दिया जाता है।